बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष सोनम किन्नर बाराबंकी पहुंची, जहां उन्होंने देवा शरीफ दरगाह का जाकर वहां पर उनका दर्शन किया। वहीं इसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान डीएम और एसपी के न शामिल होने पर कड़ी नाराजगी भी जताई। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार के राज्य में बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों का विकास हो रहा है। वहीं प्रदेश सरकार ने किन्नर बोर्ड का गठन किया है, वहीं जिसमें किन्नरों को भी मौलिक अधिकार मिल सके। उन्होंने कहा कि कोई भी किन्नर यहाँ मिसबिहेव करते हैं तो अभद्रता करते हैं तो वह उन्हें नहीं बख्शेंगे। किन्नर के लिए कम से कम 2 बेड डीएम को भेज चुका है लेटर, परंतु बाराबंकी डीएम ने ऐसा क्यों किया है एक इसका जवाब ये खुद देंगे, और एसपी ने ऐसा क्यों किए हैं इनका जवाब ये खुद देंगे। हुई तो लेटर गया, मैंने मीटिंग के लिए हमारे शासन से इनको हमने अपने विभाग से अपने से कार्यक्रम लगाई तो ये क्यों नहीं आए ये जवाब देंगे। हम तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बनाई हुई नॉमिनेट किन्नर कल्याण बोर्ड की उपाध्यक्ष हूँ, हमें पूरे प्रदेश में दौरा करना है, पूरे जनपदों में जाना है, हमें बोर्ड की मीटिंग लेनी है, प्रावधान में लिखा हुआ है उस, और जिला समिति के अंदर भी 2 मेंबर बनानी है, उसके दौरे पे मैं कहीं भी कभी भी किसी जिला में पहुंच सकती हूँ। 24 घंटे पहले मुझे अवगत कराना है जिला अधिकारी को। अब जिला अधिकारी इस बोर्ड को कितना गंभीरता से ले रहे हैं ये तो वो बताएंगे, परंतु ये मौलिक संविधान के सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन किए और मुझे उत्तर प्रदेश में नॉमिनेट किए उपाध्यक्ष। तो मैं चाहती हूँ हमारे शासन प्रशासन ट्रांसजेंडर वेलफेयर के लिए पूरी निष्ठा पूरी अपनी